अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। जनाब, आज इंशाल्लाह मैं आपको दाल चना और दाल मसूर की एक इंतहाई ज़बरदस्त डिश बताने जा रहा हूँ, और वो भी स्पेशल तड़के के साथ। अगर आप ये तड़का देख लें, सीख लें, तो इंशाल्लाह हर किस्म की दाल और सब्ज़ी पर आपको ये तड़का बहुत कामर मुफीद साबित होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। 150 ग्राम चना दाल, एक टेबल स्पून हमने हल्दी का लिया है और हाफ टेबल स्पून हमने नमक का लिया है। लीजिए जनाब, दाल मसूर हमने शामिल की अपने डिश में। ठीक है, ये दाल मसूर हमारी डिश में जा रही है बॉयल होने के लिए। और इसके बाद जनाब, ये दाल चना हमने इसमें शामिल कर दी। अब उसके बाद जनाब, एक टेबल स्पून हमने हल्दी शामिल कर दिया इसमें। ये लीजिए जनाब, नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम दरमियाने फ्लेम के ऊपर दाल को गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ऑयल गरम करके उसमें एक टेबल स्पून जीरा शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज हमने स्लाइस की है, उसको हम शामिल करेंगे। उसको फ्राई करेंगे एक मिनट। फिर उसके बाद इसमें जनाब हम हाफ टेबल स्पून हल्दी और एक टेबल स्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे। लीजिए जनाब, हमने नमक भी इसमें शामिल कर लिया। हमारे मसाला जात हमारी डिश में चले गए। उसके साथ ही हमने हाफ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला भी शामिल कर लिया। अब इन तमाम मसालों को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसके बाद जनाब इसमें ये लीजिए, दो हमने टमाटर लिए हैं, उनको हमने स्लाइस कर लिया है, और उसको इसमें शामिल करके इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट। और उसके बाद इसको हल्की आंच पे बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। लीजिए जनाब, 5 मिनट पूरे हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद फ्राई कर लेंगे। आपको पता है ना, मेरा सबसे पसंदीदा स्टेप फ्राई है। ये लीजिए जनाब, हमारी दाल जो हमने बॉईल की थी वो अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये लीजिए दाल हम माशाल्लाह से इसमें जा रही है और बॉईल हो रही है माशाल्लाह। देखिए, मिक्स दाल का माशाल्लाह से अंदाज़ ही मुख्तलिफ है और इसका लुक ही डिफरेंट है माशाल्लाह। ये दाल को हम मिक्स करेंगे इसमें। ठीक है जनाब, जब दाल में हमारा हल्का बॉयल आना शुरू हो जाए, इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे। जनाब, 5 मिनट हमारे पूरे हो गए। ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें हम एक टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे माशाल्लाह। जब इंशाल्लाह आप बनाएंगे इसको, तो बनाने के दौरान ही आपको इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आएगी कि आप बस कहेंगे कि यार जल्दी तैयार हो और मैं इसको खाऊं। जनाब, इसको दोबारा से हम ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ये लीजिए, हमारी दाल तैयार हो गई। आपकी मिक्स दाल, दाल चना, दाल मसूर आपकी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी क्विक सर्विस, कितनी जल्दी तैयार हुई जनाब। अभी एक स्पेशल स्टेप बाकी है हमारा। ठीक है, कहीं मत जाइए, अभी हम दाल को हम डिश आउट करेंगे। हमारी दाल डिश आउट हो गई। ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त लुक आया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, अब लीजिए जनाब, एक अलग-अलग पैन के अंदर हम हाफ कप ऑयल शामिल करते हैं। इसको गर्म करके इसमें हमने 4 क्लोव्स लहसुन के लिए हैं, उसको हम फ्राई करेंगे जनाब। तड़के का अपना ही मज़ा है। इसमें 5 हमने गोल लाल मिर्चें लिए हैं, उसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट। फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा शामिल किया है। और ये सबसे आखिरी स्टेप जनाब, ये हमने इसमें मक्खन का तड़का मारा। ये माशाल्लाह क्या आवाज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ में हैंडफुल हरा धनिया भी हमने इसमें शामिल कर लिया। ये वो तड़का है जनाब, जिसकी भी का मैं जिक्र आपसे कर रहा था जनाब। ये लीजिए, मेरी दाल पर तड़का आ गया
अच्छा, आप इस अंदाज में इसको बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा खाने में। मिक्स दाल तैयार। उम्मीद है आज की आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना, अपने घर वालों का, सब लोगों का ख्याल रखिएगा, स्पेशली स्पेशली पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा, ठीक है? और अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।